राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने अचानक से अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राज्य के राजनीति से विविध प्रतिक्रिया आने लगी है। इसी श्रृंखला में राज्य के वन एवं सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा प्रतिक्रिया साझा की गई है, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। देखो, पवार साहब के बारे में हमेशा उनकी हर कृति ये संशय में रही है, मगर पवार साहब 2 साल पहले उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि अब ऐसी कोई कृति मैं नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से लोगों के मन में हमेशा कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, ये पवार साहब की राजनीति का जो लोगों के मन में भाव है वो बदलने की वो कोशिश करूंगा, ऐसा कहा है। अब पता नहीं अब वो बदलना चाहते हैं या फिर वही राजनीति, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये तो 2 दिन में समझ जाएगा। देखो, हमें उनके तरफ संशय की दृष्टि से देखना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई आह्वान खड़ा करे देश में ऐसी तो कोई बात नहीं। उनके उनकी हर कृति ये तो हमको मदद करने वाली रही है भाई साहब। वो जो भी करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने वाली ही कृति रही है, तो हमारा क्या आक्षेप रहने वाला है? देखो भाई साहब, किसी के आने से या किसी के हटने से भारतीय जनता पार्टी का लाभ हानि निश्चित नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश के प्रति देशभक्ति के भावना से गरीबों के जीवन में बदलाव करने की कोशिश करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पार्टी का नेता उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती या हारती है। भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कार्यकर्ता कैसे काम करता है, लोगों के मन जीतने के लिए क्या काम करता है, इस पे निर्भर होता है, कोई नेता पे ये नहीं होता। तो आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कांग्रेस पराभूत होते आई है? सबसे कम सीटें राहुल गांधी की वजह से आई है, तो क्या कांग्रेस वालों ने राहुल गांधी जी को छोड़ देना, ऐसा मैं कहूँगा क्या? नहीं, वो उनके पार्टी की नीति हो सकती है, उनके पार्टी के निर्णय हो सकते हैं।